मेरी बेटी को बचपन से ही बालों में शैम्पू करने का काफ़ी शौक था, लेकिन मुझे डर लगता था कि कहीं इसके बाल डैमेज ना हो जाए। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला, शैम्पू को अगर हम ठीक से प्रक्रिया करके माइल्ड बना लेते हैं तो हमारे बाल स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं। और बचपन से ही मैंने इसी प्रकार शैम्पू पर प्रक्रिया करके उसके बालों में यूज़ किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। इस पर प्रक्रिया किस प्रकार से करना है और शैम्पू को, जो भी हम रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं, उसे माइल्ड किस प्रकार से किया जाता है, वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और फोर्टी प्लस मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शैम्पू पर प्रक्रिया करने जा रहे हैं और शैम्पू को माइल्ड करेंगे। आप रेगुलर का जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वही करना है, सिर्फ उसे हमें माइल्ड बनाना है। हम शैम्पू को माइल्ड करने के लिए इसमें दो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे प्रक्रिया करने के लिए। ये जो दो चीज़ें हैं, इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व है जो हमारे स्काल्प के इन्फेक्शन को दूर करेंगे। आपके बालों में अगर डैंड्रफ है, इचिंग हमेशा होती है, तो उसे दूर करने में भी ये दोनों इन्ग्रीडियंट काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ ही अगर आपके बाल बेजान रूखे सूखे हो जाते हैं तो बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसे किस प्रकार से प्रक्रिया करके हम शैम्पू को माइल्ड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। शैम्पू को माइल्ड करने के लिए जो प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक पॉट लेना है, उसमें एक गिलास पानी लेना है और पानी में हमें दो इन्ग्रीडियंट यूज़ करने हैं। सबसे पहला इन्ग्रीडियंट है चाय पत्ती। चाय पत्ती एक स्पून लेनी है, जो भी आप घर में रेगुलर यूज़ करते हैं। ये चाय पत्ती आपको उबाल लेनी है। जब भी पानी उबल जाता है तो गैस को सिम कर देना है, 2 मिनट के लिए आपको उबालना है। चाय पत्ती में पॉलीफिनोल नामक तत्व पाया जाता है जो आपके बालों को झड़ने से रोक लगाता है। स्काल्प में अगर इन्फेक्शन है तो उसे दूर करता है, डैंड्रफ को रोक लगाता है, बाल झड़ना टूटना इससे आप बच जाते हैं। और इसके साथ ही बालों को शाइनी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बाल बनाने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट हमें इसमें आंवला पाउडर 1 स्पून मिलाना है। रेडीमेड फॉर्म में मार्केट में मिल जाता है, या फिर आंवलों को सुखा कर इसकी पाउडर आप मिक्सी जार में बना सकते हैं। 1 स्पून आंवला पाउडर इसमें मिलाएंगे। इसमें विटामिन ई ढेर सारा पाया जाता है जो स्कैल्प को स्वस्थ रखता है, हेयर एजिंग से बचाता है, बालों में जो रूखे सूखे बेजान बाल हो जाते हैं तो उसमें सॉफ्ट और सिल्की बनाने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके साथ ही बालों की ग्रोथ बढ़ाने में भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट हमें पानी में 2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। गैस सिम ही होना चाहिए, सिम गैस पर आप इसे उबालेंगे तो ये दोनों इंग्रेडिएंट के सभी पोषक तत्व पानी में उतर जाते हैं। 2 मिनट उबालने के बाद गैस को बंद कर देना है, इसे गुनगुना कर लेना है। पानी गुनगुना होने के बाद किसी भी जार में आपको इसे छान लेना है और इसमें आप जो भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का हो, इस पानी में उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से झाग उसका बना लेना है और बाद में आपको इसे बालों में यूज़ करना है। बालों में यूज़ करने के लिए आपका माइल्ड शैम्पू बिल्कुल तैयार है। जब भी आप बालों में शैम्पू करते हैं तो बस इसी प्रकार से आपको शैम्पू यूज़ करना है, माइल्ड बनाकर। इस प्रकार से प्रक्रिया करके बालों में आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपकी डैंड्रफ की परेशानी दूर होगी, स्काल्प बिल्कुल हेल्दी होगा। स्काल्प हेल्दी है तो बाल भी हेल्दी होंगे, बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की होंगे। इस प्रकार से अगर आप हमेशा यूज़ करते हैं तो आपके बाल हमेशा बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। डायरेक्ट अगर हम बालों में शैम्पू यूज़ करते हैं तो इसमें ढेर सारे केमिकल्स होने के कारण जल्द से जल्द हमारे बाल डैमेज होने लगते हैं, झड़ना स्टार्ट हो जाता है, डैंड्रफ की परेशानी तो हमेशा रहती है। इस प्रकार से प्रक्रिया करके आप हमेशा शैम्पू को यूज़ करते हैं तो इसके ढेरों फायदे आपके बालों में मिलेंगे, बाल बिल्कुल सॉफ्ट, हेल्दी, सिल्की रहेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना है कि आपको किस प्रकार से इस शैम्पू के रिज़ल्ट मिले हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें।